कोतवाली मालखाने में पड़ी पकड़ी गई हजारों लीटर अवैध शराब को पुलिस ने किया नष्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार पुलिस महानिदेशक आगरा श्री गणेश ने संबंधित सभी जनपद के आला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले के समस्त थानों में पड़ी पकड़ी गई अलग अलग प्रांतों एवं कच्ची शराब के भंडार को तत्काल नष्ट किया जाए। मिले निर्देशानुसार मैनपुरी पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने शहर कोतवाली मैनपुरी को निर्देश देते हुए कोतवाली के मालखाने में 2012 से 2019 तक की रखी अलग अलग प्रांतों की 590 अभियोगों जब्त 3290 पेटियां, जिनमें 157,920 देसी पौआ के अलावा अंग्रेजी की 101 पेटी, जिसमें 4848 पौआ यानी कि 55,584 लीटर जब्त अवैध शराब को आज ट्रैक्टर में भरकर ईशन नदी के किनारे पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के नेतृत्व में जेसीबी और ट्रैक्टर द्वारा नष्ट किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उक्त शराब कई वर्षों बाद मैनपुरी में पहली बार पुनः नष्ट कराई गई है, क्योंकि मालखाने में पड़ी ये अवैध शराब खराब के साथ साथ बदबू भी दे रही थी और मालखाना भी भरा पड़ा हुआ था, और अब जनपद के सभी थानों में पड़ी अवैध शराब को नष्ट करने की कार्यवाही की जाए। वाली जनपद मैनपुरी में कार्यवाही की जा रही है। आप जानते होंगे कि भारी मात्रा में हम लोग अवैध शराब पकड़ते हैं और शराबियों को जेल भेजते हैं, उसमें उसी क्रम में काफ़ी भारी मात्रा में जो माल होता है, शराब इत्यादि, अवैध शराब, मिलावटी शराब, यूरिया मिश्रित शराब, वो बड़ी मात्रा में थानों पर पेंडिंग रहता है, जिससे मालखाना भरा रहता है और थाने पर भी बदबू इत्यादि की समस्या बनी रहती है। उसी के निराकरण के लिए आईजी रेंज आगरा श्री सतीश गणेश जी के नेतृत्व में और हमारे जनपद की टीम को मिलाकर एक अभियान चलाया गया था, जिसमें 2012 से लेकर के 2019 तक, यानी पिछले 8 सालों में पेंडिंग बड़ी मात्रा में अवैध शराब, जिसकी क्वांटिटी करीब 56,000 लीटर के आसपास है, उसको यहाँ पर ला करके आप देख रहे हैं, इसका विनष्टीकरण कराया जा रहा है। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने सुंदर भाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य का जो माननीय न्यायालय का निर्देश प्राप्त हुआ है, उसके तहत कार्रवाई की गई है। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सभी मुकदमों से संबंधित 590 मुकदमों से संबंधित सैंपल रखवाते हुए उसके बाद ही विनष्टीकरण की यहाँ पे कार्रवाई आपके सामने कराई जा रही है, जिसको शराब को क्रश करते हुए मजिस्ट्रेट महोदय की उपस्थिति में इसको क्रश करते हुए और इसको डिस्पोजल किया जा रहा है, ताकि ये किसी के हाथ ना आ सके और इसका निराकरण भी हो जाए। तो इससे ना केवल थानों की और मालखाने की सफाई होगी, बल्कि ये जो भारी मात्रा में अवैध शराब पड़ी रहती है और कई बार चोरियों की भी आशंका रहती है, तो वो सब हम लोग दूर कर सकते हैं। ये देख रहे हैं कि आपके सामने करीब 56,000 लीटर अवैध शराब यहाँ पे विनष्ट कराई जा रही है। यहाँ मौके पे एडिशनल एसपी मधुबन कुमार सिंह, COCT अभय नारायण राय और हमारे SDM सदर साहब रजनीकांत यहाँ उपस्थित हैं, और सभी की उपस्थिति में कार्रवाई सकुशल कराई जा रही है।